मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र शंकरगढ़ी गांव में चल रही एक प्राथमिक पाठशाला जिसमें कम से कम 61 छात्र व छात्राएं मौजूद हैं, जो पाठशाला उसके समीप एक गंदे पानी की पोखर मौजूद है जिसमें सभी छात्र छात्राओं को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। न्यूज़ टुडे की टीम ने जब सर्वे किया तो पाई गई गंदगी पर शिक्षकों से सवाल किया गया तो शिक्षकों ने कहा कि हम काफ़ी शिकायत कर चुके हैं मगर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। देश के प्रधानमंत्री का आदेश है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान बनाना, यह देखना है कि परीक्षार्थियों को गंदगी माहौल से कब तक निजात मिल पाएगी। कक्षा 4 में 14 बच्चे, कक्षा 3 में 10 बच्चे, कक्षा 2 में 10 बच्चे और 1 में 15 बच्चे। ये सुबह कितने बजे आपका स्कूल खुलता है, कितने बजे बंद होता है? 9:30 बजे खुलता है और 3 बजे बंद होता है। जी आपके जितने बच्चे आप बता रही हैं इतने बच्चे मौके पर तो यहाँ पे ले लिया। लंच का टाइम हो गया था, बच्चे कुछ चले गए टॉयलेट करने और वैसे नहीं बच्चे तो आते हैं 30-35 किसी दिन 40 भी हो जाते हैं 45 भी घटते बढ़ते रहते हैं। इतने बच्चों में 20-25 बच्चे आते हैं और 60 बच्चों में 20-25 बच्चे एब्सेंट होते हैं तो क्या इनकी शिकायत नहीं करते हैं घर वाले? करते हैं, बैठक भी की है, हर महीने बैठक करते हैं, माँ बापों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग करने के बावजूद भी क्या माँ बाप या क्या आप लोग ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर कि वो पूरे क्यों नहीं आ रहे? किसी दिन भी एक भी दिन पूरे बच्चे आए? गाँव में रैली भी निकाली थी कि बच्चों को भेजो स्कूल पढ़ने के लिए भेजो। और ये आपके गांव के स्कूल की हालत तो बहुत ख़राब हो रही है मैडम। ये गांव का स्कूल है, गंदगी है या पोखर है या गंदगी कूड़ा कचरा डाल जाते हैं, मना करो तो किससे लड़े हैं? हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, राजनीति करने तो आते नहीं हैं। नहीं, ये जंगले भी काफ़ी टूटे हुए हैं और वैसे भी हालत ख़राब हो रही है तो इसकी मेंटेनेंस के लिए तो पैसा आता होगा, वो कैसे? इसका मेंटेनेंस का और इस पैसे का जवाब तो हेड सर देंगे और NPRC को पता होगा, उनके अंडर में आता है पैसा। तो ये जंगले वगैरह की शिकायत आप करती नहीं है कि चारों तरफ से टूटे हुए पड़े हैं? AVS सर आते हैं, BSA आते हैं, देख जाते हैं, उन्हें बताते हैं, दिखाते हैं, घूम के जाते हैं, उनके ही नज़र में तो है ये स्कूल? उनकी नज़र में तो है लेकिन हमें तो देखने वाले जो आते हैं वो सारी शिकायतें तो आप लोगों से करते हैं कि भाई स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, तो क्या आप लोगों ने शिकायत की है उनसे लिखित में की है? मैं दोस्त में देखे आए, जाँच भी आई है, देख के चले जाते हैं। उसके ऊपर कोई कार्रवाई की उन लोगों ने, जांच अधिकारियों ने? अब जांच अधिकारी AVS सर आते हैं, उन पर शिकायत होगी तभी तो आए हैं वो। नहीं, AVS सर आए हैं, शिकायत हुई है, क्या उसके ऊपर कोई उन्होंने कार्रवाई की किसी के ऊपर? इसकी तो प्राथमिक विद्यालय शंकरगढ़ी विकास खंड नवझील मथुरा क्षेत्र में आके सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यहाँ पे जानकारी ली गई तो यहाँ पे 3 शिक्षा मित्र अध्यापिकाएँ मौजूद मिले, इनसे जानकारी लेने में पता चला कि यहाँ पे 61 बच्चे हैं। 61 बच्चों में यहाँ पे मौजूदा हालत में बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। इसे पता करने पे जानकारी मिली कि यहाँ पे बच्चे आए और खाना खा के वो चले गए। इस स्कूल के चारों तरफ काफ़ी भारी मात्रा में गंदगी का माहौल है और स्कूल के जंगले वगैरह भी टूटे हुए हैं। जब यहाँ पे इन टीचरों से जानकारी ली गई कि क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी की, तो इन लोगों ने जानकारी दी कि हाँ यहाँ शिकायत की गई है लेकिन किसी भी अधिकारी ने आगे कोई कार्रवाई यहाँ पे किसी प्रकार की नहीं की है।